लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस कर रहे थे अपन। एक्सेप्टेंस क्या होता है बताओ? बताओ एक्सेप्टेंस क्या होता है? मैम किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रपोजल या ऑफर को हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाता है अपना लीगल रूल्स टू एक्सेप्टेंस। सेकेंड पॉइंट देखो इसमें होगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। क्या बोला मैंने? एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या होगा? देखो जो मोड यूज किया था सामने वाले ने, है ना, जैसे बोला था, सपोज अगर आपको बोला गया कि आपको बाय ईमेल ही हमको वो कंफर्मेशन देंगे तो ही हम मानेंगे, ओरली हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करना है तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर या मोड जो दिया गया है उसी से ही करना है आपको। थर्ड देखो, ये सेकंड था। नेक्स्ट देखो, इसमें मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑब्वियस है। किसको देना है एक्सेप्टेंस? ऑफरी को। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। एक्सेप्टेंस मस्ट मीन्स कम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली, याद रखना, व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द, एक मिनट, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, सॉरी, ऑफरर तो खुद ऑफरी खुद वो है, एक्सेप्टर है ना। ये दो पार्टीज हैं, ऑफरर और ऑफरी। तो ऑफरी किसको करेगा? ऑफरर को। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। नेक्स्ट देखो, इट मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी टू द ऑफर। इट मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी टू होम द ऑफर इज मेड। देखो एक्सेप्टेंस हमको किसको देना है? जिसने हमको ऑफर दिया है, ठीक है। जरूरी नहीं ऑफर किसी और ने दिया, उसने किसी और को सजेस्ट किया। सपोज ए ने ऑफर दिया था हम किसको, बी को, तो बी ने ये बात शेयर की थी सी से, तो आपको ये बात पता चली सी से, तो आप बी सी को एक्सेप्टेंस दे रहे हो, नहीं ए को, ए को देना पड़ेगा। तो जिसने आपको ऑफर किया है उसी को ही आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। और इन केस में तो ये तो ऑफर वैलिड भी नहीं होगा, क्योंकि आपको किसके थ्रू पता चला था? सी के थ्रू, और आप रेडी हो गए उसकी बात सुन के, नहीं। तो आपको ऑफर किससे आना चाहिए था? ए से। आ रहे समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ इसमें? यस मैम। नेक्स्ट देखो, इट मस्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम और रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो अगर उसने बोला है कि आपको 10 डेज के अंदर आपको एक्सेप्टेंस देनी है, तो वो जो प्रिस्क्राइब टाइम है या जो रीजनेबल टाइम है, उस टाइम के अंदर ही आपको एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आप बाद में देंगे तो वो वैलिड नहीं होगी। आ रहा है समझ में? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम और रीजनेबल टाइम। नेक्स्ट इसमें देखो, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवेन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर।
देखो आपको अभी तक ऑफर मिला नहीं है, ठीक है? तो देखो आप तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आपको ऑफर नहीं मिला हो। आप समझ रहे हैं ये बात को? अगर आपको ऑफर आया ही नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे? तो एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। सपोज ये सिचुएशंस किस में वैलिड होती है? शेयर्स के टाइम पे। शेयर्स के टाइम पे ना बस समझो, ज्यादा डिटेल में मत जाना, सिर्फ इतना समझने के लिए समझो, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है तो पब्लिक क्या करती है? अप्लाई करती है उन शेयर्स के लिए। तो जब पब्लिक अप्लाई करेगी उन शेयर्स के लिए तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स को अलॉट करती है। कंपनी क्या करेगी? शेयर्स को अलॉट करती है। इट मींस अलॉट जो कंपनी कर रही है वो होगा ऑफर। ये आपने अप्लाई किया है, ठीक है? और ये क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। जब कंपनी ने बोला कि हम पब्लिक को देंगे तो वो कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट था, या फिर डिक्लेरेशन हो जाएगा, या फिर इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है? कि पब्लिक अप्लाई कर सकती है। तो लोगों ने अप्लाई किया, तो सपोज कंपनी के को परमिशन है 1 लाख शेयर्स की और कंपनी के पास एप्लीकेशन आ रही है 1.5 लाख, तो ज्यादा आ गया। तो कंपनी पूरा तो नहीं कर सकती, कंपनी कितना करेगी? 1 लाख। तो कैसे सिचुएशन में क्या होता है? 400 शेयर्स के लिए जो अप्लाई करता है उनको 200 देगी, जो 600 के लिए अप्लाई करेगा उनको 400 देगी। तो ये होता है अलॉट करना। तो ये अलॉटमेंट के बाद अब सामने वाली जो पब्लिक है वो उसको एक्सेप्ट भी तो करे, क्या पता वो एक्सेप्ट ही ना करे, कैंसिल कर दे। तो ये तो एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी गिवन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। तो ऐसी सिचुएशन पे आप ये नहीं समझेंगे कि अगर आपने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो आपको पूरा का पूरा 600 के लिए आप एक्सेप्ट है। नहीं, ये तो जब आपने अप्लाई किया है कंपनी के ऊपर है, आपको 400 देगी कि 500 देगी कि पूरा 600, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्सेस। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर द ऑफर लैप्स और विथड्रॉन। ये होता है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, पहले आए पहले पाए। तो कभी कभी क्या होता है, ऑफर ना पूरा जनरल पब्लिक के लिए रहता है, तो अगर आपने लेट कर दिया तो पहले जिसको मिल गया तो अब ऑफर या तो विथड्रॉन हो गया या फिर वो लैप्स हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें। एक्सेप्टेंस मस्ट शो इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस। तो सामने वाला जब एक्सेप्टेंस दे रहा है, ठीक है? अब देखो प्रॉमिस वर्ड फर्स्ट क्लास याद करना इस टॉपिक की। एक ऑफर था, एक ऑफरर था। ऑफर कौन करता है? जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसर। और ऑफरर कौन है? प्रॉमिसी, ठीक? ये प्रपोजल देता भी है, ये क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये तीन तीन नाम है ना एक ही उसके। तो यहाँ क्या लिखा है? एक्सेप्टेंस मस्ट शो इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस। तो ये जो एक्सेप्टर है, ठीक है, तो इसका इंटेंशन होना चाहिए कि वो अपना ही तरफ से किया हुआ प्रॉमिस भी क्या करेगा, फुलफिल करेगा। प्रॉमिस को क्या करेगा? वो फुलफिल करेगा। नेक्स्ट देखो, नाइन्थ पॉइंट। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रेज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस। ये मैंने भी बताया था ऑफर में, जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया है, नॉन कंप्लायंस, तो वो ऑफर क्या एक्सेप्ट में नहीं कहलाएगा। सेम वही, उसको उल्टे तरीके से लिखा है, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी प्रेज्यूम्ड फ्रॉम साइलेंस। अगर सामने वाले ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, या ओरली या रिटन, तो आप ये एज्यूम नहीं करेंगे कि
कि उसने कुछ नहीं बोला है तो उसकी तरफ से वो क्या हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, मतलब यस हो जाएगी। तो ये थे पॉइंट्स किसके, एक्सेप्टेंस के। सेम है लैप्स और रिवोकेशन। देखो लैप्स की मीनिंग मैंने आपको बताई, लैप्स क्या होता है, ऑफर का खत्म हो जाना है ना, मतलब कंप्लीट, मतलब ऑफर केम टू एन एंड। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर, देखो सेक्शन 4, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड, देखो एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। देखो ऑफर लैप्स वाला फर्स्ट पॉइंट क्या था, एन ऑफर लैप्स आफ्टर अ डिफाइंड और रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। एन ऑफर लैप्स बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द स्पेसिफाइड मोड। स्पेसिफाइड मोड क्या होगा, जैसे मेल वगैरह बताया था, रिजेक्ट कर देंगे तब, अगर किसी की डेथ हो जा रही है तब। एन ऑफर लैप्सेस बाय रिवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस, रिवोक मींस कैंसिलेशन। देखो तो वो जो फिफ्थ पॉइंट था, एन ऑफर लैप्सेस बाय रिवोकेशन बिफोर एक्सेप्टेंस, तो रिवोक मीन्स कैंसिलेशन। अब जैसे ये लास्ट एक नया लिखा है, टाइम ऑफ रिवोकेशन क्या होगा, टाइम ऑफ रिवोकेशन क्या होगा, टाइम तो होगा किसी चीज को रिवोक करने का, कुछ तो होगा तभी उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया है। तो क्या होता है वो, देखो टाइम ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। देखो कैंसिल कब, किसी भी टाइम कर सकते हैं, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमको अगर अभी सामने वाले का एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सामने वाले का अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, तो हमने अगर ऑफर कर दिया है, सपोज हमने ऑफर किया 15th जैन को, ठीक, हमने उसको बोला है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो 25th जैन तक, सडनली 22nd को ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम अब इस ऑफर को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और हमने उसको टाइम दिया था 25th जैन के पहले या 25th जैन तक, तो इसने क्या किया था, 22nd तक भी रिप्लाई नहीं किया था, तो इसने एक्सेप्टेंस तो दी नहीं थी अभी तक, तो हम चाहे तो 22nd को भी ऑफर क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। तो जो दिया ना टाइम ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर मींस, ये देखो बिफोर द कम्युनिकेशन, ये बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, ठीक, द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। अगर उसने हाँ बोल देता तो हम कैंसिल नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखो, रिवोकेशन ऑफ द ऑफर बाय द ऑफरर, द ऑफरर कैन विदड्रॉ इट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, ये अभी हमने किया था, हटाओ। ये एग्जाम्पल पढ़ो पूरा का पूरा, एग्जाम्पल रीड करो, एग्जाम्पल रीड करो सब, कौन एक्सप्लेन करेगा ये एग्जाम्पल मेरे को। बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा ये, बताओ। कंसिडरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 समझ लो आपके यूनिट 3 का, समथिंग फॉर समथिंग, ठीक, समथिंग इन रिटर्न। या समथिंग इन इक्विवेलेंट टू मनी,
मनी या फिर मनीज वर्थ. सपोज आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही ये पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का. अगर आप समझो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं ए और बी, तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, सपोज बिल्डर है, बी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो ए अगर उसका बिल्डर घर बना के दे रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या वॉट एवर ऑफिस या कुछ भी, तो बी उसके बदले में क्या करेगा, उसको एक प्राइस पे करेगा, है ना. तो वो जो प्राइस पे करेगा वो कहलाएगी कंसीडरेशन. कभी कभी प्राइस में नहीं पे करके कोई लोग बॉन्ड्स में पे करते हैं, कुछ दूसरे तरीके से पे करते होंगे, ठीक. तो समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न कि वो वापस मिल रहा है, समथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू मनी और मनी इज वर्थ, ठीक है. तो हमने जो काम करके दिया है तो उसके इक्विवेलेंट क्या मिलना चाहिए, मनी. कोई डाउट है कंसिडरेशन की मीनिंग में? नो मैम. डेफिनेशन देखो ऑफ कंसिडरेशन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो क्या लिखा है, वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. ये प्रोमिसर और प्रोमिसी की मीनिंग समझना, हमेशा याद रखना द प्रोमिसी, है ना. वेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग. एब्सटेन्ड मतलब मना करना. इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि लोगों को मना करके भी कॉन्ट्रैक्ट में कैसे ला सकते हैं. बताया कि नहीं बताया मैंने, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग. समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन. It's called a consideration for the promise. देखो abstains का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, क्या होता है abstains, मना करना. अगर मैंने आपको एक चेक वाला एग्जाम्पल दिया था, ए को कुछ ना अमाउंट पे करना था बी को, तो ए ने चेक दिया था किसको, बी को, तो ए उसको मना करता है कि आप चेक मत लगाना, मतलब मत लगाना मीन्स नहीं करने बोल रहा है, इट मीन्स क्या बोल रहा है, एब्सटेन्स, है ना, मना कर रहा है. तो उसके बदले ए बोलता है कि वो चेक था 50,000 का, आई विल पे यू 55,000, तो 5,000 का और प्रॉफिट हुआ ना, उसको अमाउंट भी तो मिल रहा है, तो उसके बदले वो कुछ दे रहा है उसको. तो एब्सटेन्स मीन्स चेक लगाने से मना करना, इस टाइप का एक्ट एब्सटेन्स मतलब. नेगेटिव है लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में नेगेटिव वर्ड है. तो देखो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन है, जो ऑफर करता है और ऑफरी होता है ना, तो ये कौन होता है, प्रोमिसर, जो प्रोमिस करता है ये होता है प्रोमिसी. अब देखो
अब ये समझो, वैन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पे जो प्रोमिसी है, ये जिसके पास बी जिसको चेक दिया गया है ना, और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ये देखो ये है पास्ट की बात हो रही है, कोई पास्ट में किसी ने उसका कोई काम करके दिया, हैज डन और एब्सटेन्ड, ये देखो पास्ट टेंस लगा तो ये हो गया पास्ट। फिर कॉमा डाला है, देखो डेफिनेशन को समझो थ्री पार्ट्स में, कॉमा डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट टेंस, यहां प्रेजेंट में उसको मना कर रहा है किसी प्रेजेंट एक्टिविटी के लिए, और प्रोमिस टू डू और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग इस पार्ट को बोलेंगे फ्यूचर के लिए, कोई मना कर रहा है या करने बोल रहा है, तो तीनों कंडीशन आ गई, अगर पास्ट में ऐसा काम किया है या प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है या फ्यूचर के लिए करने बोल रहा है समथिंग, तो ऐसे एक्ट और एब्सटेनेंस या प्रॉमिस के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं कंसीडरेशन। आया समझ में?